जानी मानी डांसर और एक्ट्रेस संदीपा धार ने हाल ही में फोटोशूट करवाया है। फोटोशूट में संदीपा गोल्डन मेकअप और गोल्डन ड्रेस में पोज देती नजर आई। चलिए उनके फोटोशूट और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। ये फोटोशूट हम बैरल मैंशन के लिए कर रही हूँ मैं, जो कि जगह है, इट्स न्यूली ओपन्ड एंड सुवेद जो यहाँ के ओनर है, ही इज़ अ डियर फ्रेंड एंड ही वॉन्टेड यू नो मी टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ लॉन्चिंग द क्लब। तो इसीलिए मैं एक फोटोशूट कर रही हूँ क्लब के लिए एंड इट्स एन अमेजिंग स्पेस, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है एंड दैट्स वाई वी डूइंग अ वेरी ग्लैम फोटोशूट बिकॉज जगह इतनी ग्लैम है। ओके, हर एक चेंज बहुत ही यू नो सुंदर था और मैं गाउन्स और यू नो इट्स अ वेरी 90s 40s काइंड ऑफ अ वाइब, तो मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक जो मैं अभी भी जो मैंने पहना है बहुत सुंदर है, बट आई टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ वन, मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं, जिसमें नील नितिन मुकेश हैं, करण सिंह ग्रोवर हैं, के मेनन है और जैकी श्रॉफ है और मैं ली प्ले कर रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है मेरे लिए बिकॉज इट्स एन आउट एंड आउट कमर्शियल हिंदी फिल्म। फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं यू नो आउट एंड आउट कमर्शियल हिंदी फिल्म कर रही हूँ एज अ लीड एंड मैं एक सुपर मॉडल प्ले कर रही हूँ। लंदन बेस्ड स्टोरी है तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वी शॉट 90% ऑफ द फिल्म इन लंदन एंड यू नो फाइनली मुझे डांस करने का मौका मिल रहा है फिल्म में, जो कि यू नो मुझे अभी तक नहीं मिला था। एंड यू नो इट्स फनी बिकॉज मैं एक डांसर हूँ एंड ऑल द फिल्म्स दैट आई हैव डन टिल नाउ देयर वाज नो डांसिंग इन देम, सो इट्स फन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज थ्रिलर है तो काफ़ी ट्विस्टिंग टर्न्स है और मेरा कैरेक्टर बहुत लेयर्ड है, सो इट्स फन। सो समर ऑफ 2019 इज व्हेन इट कम्स आउट। यू नो करण और नील और जैकिदा एंड के सर के साथ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा बिकॉज दे ऑल फेल्ट लाइक दे वर माय फ्रेंड्स रादर देन यू नो सीनियर एंड अ जूनियर। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है यू नो इन ऑल दीज यू नो सीनियर एक्टर्स एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर यू नो सो सक्सेसफुल बिकॉज दे डोंट मेक यू फील लाइक दे आर स्टार्स। मैं एक इंटरनेशनल म्यूजिकल कर रही हूँ जिसका नाम है वेस्ट साइड स्टोरी, जो एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन है और मैं इकलौती इंडियन एक्टर हूँ उसमें, बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं सब यू नो फॉरिनर्स हैं और गैरी स्टूअर्ट जिन्होंने यू नो एक बहुत फेमस ब्रॉडवे शो है कॉल्ड कैट्स, वो उन्होंने डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है, वही हमारे भी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है। और जैसे कि आपने बोला 150 शोज़ हम लोग कर चुके हैं, 13 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं एंड इनफैक्ट अभी मैं पोर्चुगल में यू नो शो करके आई हूँ। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग फर्स्टली टू बी ऑन इंटरनेशनल स्टेज बिकॉज बहुत कम मौका ऐसा मिलता है इंडियन एक्टर्स को टू बी यू नो टू बी ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और मैं बहुत बहुत लकी हूँ बिकॉज आई गेट टू डांस ट्रैवल एक्ट एंड गेट पेड फॉर इट। आई डोंट थिंक यू नो आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग बेटर और सो इट्स एन अमेजिंग 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 फीलिंग। और आपने पूछा इन तीनों में से बेटर कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा डिफिकल्ट है, स्टेज फॉर श्योर बिकॉज कोई रीटेक्स नहीं है, जो आपने उस टाइम कर दिया वो कर दिया, इफ़ यू फॉरगेट योर लाइन्स यू हैव टू कवर अप, इफ़ यू फॉरगेट डांस मूवमेंट्स यू हैव टू कवर अप, सो आई थिंक बट हाई भी अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे फेवरेट भी कौन है, आई विल डेफिनेटली से स्टेज बिकॉज एक्टर्स मीडियम होता है स्टेज, तो आपके पास करने को बहुत कुछ है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है एंड एवरी डे इज अ न्यू डे कि ऑल दो हम यू नो 150 शो कर चुके हैं बट जब भी मैं वो यू नो शो करती हूँ वो एक दिन एक नया दिन होता है, पहला दिन होता है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू गोइंग टू डू, यू डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट बिकॉज ऑडियंसेस भी हर कंट्री के कितने अलग होते हैं, किसी को यू नो एक बात पे हंसी आती है तो किसी को किसी और बात पे हंसी आती है, तो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरीबडी इज सो डिफरेंट एंड यू रियली गेट टू लर्न अबाउट पीपल। 14 एपिसोड्स 1 आवर ईच और मेरा कैरेक्टर एक महाराष्ट्रन बेस्ड फैमिली है जिस यू नो जिसका मैं पार्ट हूँ और वेरी एक्साइटेड बिकॉज ए मैंने मराठी रोल कभी किया नहीं था और तो काफ़ी टफ रहा क्योंकि थोड़ी मराठी सीखनी पड़ी और स्पेस बहुत अलग है। पुलकित जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्होंने भोज भी डायरेक्ट किया था, बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और उनका जो टेक है टूवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो एज एन एक्टर आई थिंक दिस इज़ अ फैब टाइम बिकॉज मुझे फिल्म भी करने को मिल रहा है, मुझे यू नो थिएटर भी करने को मिल रहा है, ऑफकोर्स डिजिटल पे भी यू नो नाउ द प्लेटफॉर्म इज सो अमेजिंग दैट आई गेट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया मूवी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।